पंचतंत्र की कहानियां। पंचतंत्र की कहानियां बच्चों के कोमल मन में बातों को गहराई तक पहुंचाने का तरीका कहानियों से बेहतर और क्या हो सकता है। खासकर पंचतंत्र की कहानियां जिसमें बेहतर सीख, संस्कार व जीवन में अच्छी चीजों की ओर बढ़ने की प्रेरणा मौजूद होती है। 5 भागों में बटी पंचतंत्र की कहानियां ही हैं, जो दोस्ती की अहमियत, व्यवहारिकता व नेतृत्व जैसी अहम बातों को सरल और आसान शब्दों में बच्चों तक पहुंचाकर उन पर गहरी छाप छोड़ देती हैं। शायद यही वजह है कि अक्सर बचपन में सुनी कहानियां और उनकी सीख जीवन के अहम पड़ाव में मार्गदर्शक के रूप में भी काम कर जाती हैं। हम कौवा उल्लू के बीच का बैर, दोस्ती दुश्मनी, दोस्तों के होने का लाभ, कर्म ना करने से होने वाली हानि, हड़बड़ी में कदम उठाने से होने वाले नुकसान जैसी कई पंचतंत्र की कहानियां आप तक इस प्लेटफॉर्म के जरिए लेकर आ रहे हैं। आप इन कहानियों के माध्यम से बच्चों को खुशी देने और उनका मन बहलाने के साथ ही उनके अंदर नैतिकता व सदाचार के भाव को पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, अपने बच्चों को शिक्षाप्रद कहानियां सुनाते हुए अपने बचपन में खो जाइए। हमारी यह कोशिश है कि अब हम पंचतंत्र की कहानियां लेकर आएंगे। अकबर बीरबल की कहानियों पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया आप सबका, तो हमने विचार किया कि हमें और कहानियां और अलग अलग क्षेत्र में जैसे पंचतंत्र की कहानियां भी लानी चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको यह सीरीज पसंद आएगी और आप इसको भी अकबर बीरबल की सीरीज की तरह ही अच्छा प्यार देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रूबल सॉल्यूशंस को इतना प्यार और सपोर्ट दिया। थैंक यू सो मच and we feel gratitude towards you all. Thank you, thank you, thank you. Have a nice day. Love, love.